बाइक कवर आते हैं उनके साथ एक इशू ये रहता है कि बाइक कवर को रखेंगे कहाँ कहाँ संभाल के रखा जाएगा, फिर उसको बाइक में डाला कैसे जाए, वापस रोल कैसे करा जाए, ये इशू होता है। तो इसके लिए अब एक नया डिवाइस है जिसका नाम है बाइक ब्लेज़र। ये एक पेटेंटेड डिवाइस है। इस डिवाइस की खासियत ये है कि ये किसी भी बाइक पर लग जाता है बहुत ईजिली और 8 सेकंड के अंदर आपकी बाइक को कवर कर देता है। ये यूनिवर्सल बाइक कवर है, यानी कि हर एक बाइक के ऊपर ये काम करेगा। और जैसे कि गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें हर बाइक के ऊपर ये साड़ी गार्ड लगावा आएगा, ये बाइक कवर यानी कि बाइक ब्लेज़र जो है ईजिली इसके ऊपर फिट हो जाता है। ये आपको एक ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जो ऑलरेडी सारी बाइक्स में आता ही है। तो यहाँ से हमने इसको ओपन किया, साड़ी गार्ड में आपने इसको फिट करना है। इसकी प्लेट लग जाएंगी फिर साइड में, बस ये फिटिंग हो चुकी है। अब आपको सिर्फ इसमें नट जो है वो लगाना होगा। इसमें एक ख़ास बात और है कि ये जो नट आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली एंटी थेफ्ट नट है, यानी कि इस डिवाइस को खोलना जो है किसी के लिए आसान नहीं होगा अगर कोई इसको निकालना चाहे तो। तो ये इसमें एक और सेफ्टी फीचर है। तो ये हमारा डिवाइस जो है इस बाइक के ऊपर लगकर रेडी हो चुका है। फिर उसके जो और फीचर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बाइक कवर जो है हमारा 8 सेकंड से भी कम में ये कवर हो चुका है। कि अगर इस बाइक कवर को वापस रोल कर, सबसे पहले आपको बाइक कवर निकालना पड़ेगा और उसको एक रोप की फॉर्म में रोल करना पड़ेगा। और अब जो है आप इसको वापस रोल करना शुरू करेंगे। अगर बारिश में आपने बाइक कवर वापस रोल किया है तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें आ जाएंगी, तो तब भी आपका बाइक कवर ख़राब नहीं होगा क्योंकि नीचे की तरफ से इसमें एक होल है जो जितना भी पानी बाइक कवर के साथ वापस आता है तो उसे यहाँ से वो ड्रेन आउट हो जाता है बहुत इजीली। इसमें एंटी थेफ्ट नट है, यानी कि इसको निकालना जो है वो इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। ये फैब्रिक जो है ये स्पेशली, इसका नाम टारपोलिन फैब्रिक है, ये पैराशूट फैब्रिक बोलते हैं इसे। यानी कि नॉर्मल जो बाइक कवर में फैब्रिक यूज़ होता है वो लो क्वालिटी का स्टार्च के साथ मिक्स किया हुआ फैब्रिक यूज़ होता है और थोड़े टाइम में जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो फैब्रिक है ये ईज़िली ख़राब नहीं होता, ये ऐसे ही एक्सट्रीम कंडीशन को वेदर करने के लिए ही बनाया गया है। तो ये इस डिवाइस की खासियत है। और जस्ट इन केस अगर आपका ये फैब्रिक ख़राब हो जाता है और आपको फैब्रिक चेंज करना है तो डिवाइस आपका वैसा ही रहेगा और फैब्रिक जो है इजीली आप चेंज कर सकते हैं।